इस वक्त जो है अभी तक लाइट नहीं आई है हमारी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना रोटियाँ पका रहे हैं, इसमें जो है ना माम के मज़ेदार से आलू तैयार हो रहे हैं। और बाकी ये मैंने आलू बॉईल करके, आलू जो है ना वो छील के रख लिए हैं, तो मामी आके जो है वो उसको पकाएंगी आलू का भुर्ता, जिसकी रेसिपी आपको इज़ू की नानी पे मिलेगी। और यहाँ पे जो है ना हम सारे अपने काम वाम करके फिर हम अपना कमरे में जाएंगे, उसके बाद फिर फ़हीम आ जाएंगे, फिर फ़हीम जब आएंगे तो फिर मैं अपना ब्लॉग दोबारा कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर में पकने वाला है आलू का भुर्ता, इसकी रेसिपी जो है वो इज़ू की नानी चैनल पर अपलोड होगी, वो आप लोग देखिएगा। तो जब ये पक जाएगा तो मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊंगा। अब बताइए कितनी चकलें मिल रहा है, मैंने एक एक चकल के दो दो तीन तीन बनाए। तो ये पका रही है मम्मी और इनके चैनल पे ही रेसिपी आएगी। सो फहीम अभी अभी आए और आते के साथ ही खाना शुरू कर दिया। बहुत भूल हो गई है, मैं बता नहीं सकता, ये जो टाइम होता है ना इस पर एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है, खुराक की जरूरत होती है, फौरन बस आ जाओ खा लो। बस अच्छा, जब जब मैंने आज वीडियो बनाई है ना लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन जब मैं आया तो लाइट थी, अभी भी गई है। हाँ सो मैंने खाना लगा लिया है और आज जो है ना ये चटनी है और वो भुर्ता है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, और ये मिर्चे हैं और ये किसी दिन के चावल हैं और ये फहीम अपने लिए लेके आए। आपको ये चीज़ें बहुत पसंद है क्या? हाँ, ड्राई फ्रूट्स तो जान है फहीम की, है ना? यस। फहीम की होने वाली है रात और मेरी भी। फहीम जो है ना वो ब्रश कर रहे हैं और अब हम सोएंगे। तो आप अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।